और ये रही मेरी यामा की R15M। तो इस बाइक में एक फीचर दिया रहता है, आइए आप कैमरा पास लेकर आइए। इस बाइक में दिया रहता है ट्रैक मोड। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि ट्रैक मोड में हम लोग क्या इस फीचर को कैसे इस्तेमाल, बेसिकली इस फीचर को इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। इस फीचर को इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि हम अपने ट्रैक्स के लैप्स को रिकॉर्ड कर सकें। देखिए, जैसे ही मैं ट्रैक मोड में जाता हूँ, मीटर चेंज हो जाता है आपका और यहाँ पर टाइमर स्टार्ट हो जाता है। तो टाइमर स्टार्ट चलिए करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो उसके लिए हम लोग को गाड़ी को स्टार्ट करना पड़ेगा और चलाना पड़ेगा। तो देखिए, अभी टाइमिंग दिखा रहा है 0 all। तो टाइमिंग स्टार्ट करने के लिए हम लोग को, जैसे हम लोग स्टार्ट किए और ये मेरा लैप का ये स्टार्टिंग पॉइंट आ गया, मैंने पास का बटन दबा दिया, टाइमिंग स्टार्ट होने लगा। ठीक है, ये टाइमिंग स्टार्ट होने लगा, टाइमिंग चल रहा है और पूरा मैं लैप लगा कर आ गया। और फिर मैंने अपने लैप को रिकॉर्ड करने के लिए वापस से ये पास बटन दबा देना है। देखिए, 12 सेकंड का मेरा लैप का ये रिकॉर्ड हो गया और फिर मैं बाइक रोक दिया। अब टाइमिंग को स्टॉप करने के लिए हम लोग दबाएंगे ये ट्रिप बटन, यहाँ पर जो राइट साइड में दिया है, ट्रिप बटन दबा देंगे, टाइमिंग ये रुक जाएगा। और फास्टेस्ट देखने के लिए यहाँ प्रेस कर देंगे तो 12 हम लोग का फास्टेस्ट दिखने लग रहा है। और वापस से 0 इसको करने के लिए लॉन्ग प्रेस करेंगे ट्रिप बटन को, यहाँ नीचे मैंने प्रेस किया और 0 हो गया। तो ठीक है गाइज, अगर आपको ये वीडियोस सामने से कर दो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको इस वीडियो से कुछ नई जानकारी मिली हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपके लिए मैं ऐसे ही ढेर सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाता हूँ।